फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड गणेश हिवारकर किसी मुसीबत में फंसे थे, ये खबर आ रही थी। हालांकि अब खबर आ रही है कि उनको मसीहा मिल गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में गणेश हिवारकर का सबसे पहला मैसेज आया था जून 19 तारीख को। उसके बाद अगस्त में एक चैनल में इंटरव्यू देते हुए दिखे और फिर यह सिलसिला यहां तक पहुंच गया है। चार लोग आए, उन्होंने गणेश को मारा, गणेश को फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहां पर इंजेक्शंस दिए और ट्वीट आया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये एक स्लो पॉइजन है। गणेश हिवारकर सुशांत सिंह राजपूत केस में जस्टिस की मांग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, अच्छी बात है। बॉम्बे के रहने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनकी आवाज़ कब से उठने लगी, क्या क्या बातें उन्होंने कही। हालांकि अगर हम विवेकानंद गुप्ता का ट्वीट देखें तो उन्होंने 14th को ही ट्वीट कर दिया था, वो एक प्रूफ भी था। गणेश का ट्वीट 19th को आया जो कि एज अ रिप्लाई टू कंगना था, और फिर अगस्त में वो चैनल्स पर दिखने लगे और फिर सिलसिलेवार तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की मांग कर रहे हैं, देश भर घूमें, आवाज़ लगाई और आज भी आवाज़ लगा रहे हैं। कभी योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टैग कर रहे हैं, अमित शाह जी को टैग कर रहे हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या है इन सब बातों की सच्चाई जो अभी रिसेंटली हुआ, इसका आइडिया मुझे नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस जायज़ है, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और अपने आप को सेफ करके कर रहे हैं क्योंकि मामला बहुत संगीन है। और जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खैर आने वाला वक्त बताएगा कि ये सही है या गलत है। जो न्यूज़ में दिख रहा है उसी इन्फॉर्मेशन्स के बेसिस पर मैं आप लोगों से गणेश हिवारकर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत केस में मैंने इनिशियल डेज में ही लोगों को देख लिया था कौन कौन क्या क्या कर रहा है। एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे जो इनिशियल डेज में ही उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में US में किसी से बात की थी और उस लेडी के जवाब से मैं आज भी इम्प्रेस हूँ। कई ऐसे बातें थे जो उन्होंने बताई थी उस टाइम पे। सलाम इंडिया की पद्मा जी, उन्होंने भी अपने वीडियोस डाले थे जून एंड में या जुलाई में ही। तो इनिशियल स्टेज पे जिस जिस लोगों ने क्या क्या डाला है वो हम देखते आ रहे हैं, हमें पता है। अपने आप को सेफ रखकर, अपने आप को ध्यान में रखकर, अपनी फैमिली, अपने घर वालों सबको ध्यान में रखते हुए हर उस चीज़ को करना चाहिए, इंस्टेड अपनी लाइफ को इस तरह की प्रॉब्लम्स में ना डालकर आप नॉर्मली चीज़ों के लिए लड़ें, जस्टिस की मांग करें। मैं यही कहूँगा, आप लोगों ने देखा किस तरह से गणेश हिवारकर ने अपनी बात बताई। वहीं आप लोगों को ध्यान होगा विभोर आनंद जेल गए, वापस आए, किसी ने अटैक किया और आजकल थोड़ा साइलेंस मोड में है और आउट ऑफ द ट्रैक कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। हालांकि मेरे पास कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो पाता है ट्वीट्स के या लोगों के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो पता चलता है कि वो कुछ अलग ही नरेटिव में चल रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में हर वो पर्सन जो भी जस्टिस की मांग कर रहा है वो अपने आप को ध्यान में रखते हुए,
रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर अंदर रहकर जो भी कर सकता है करे, पब्लिसिटी स्टंट की ज़रूरत नहीं है। ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, साइलेंट प्रोटेस्ट को साइलेंट प्रोटेस्ट ही रहने दीजिए ताकि इसमें किसी और की दिक्कतें ना बढ़े। मेजर एम सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। जस्टिस का मतलब है सच्चाई निकल कर आए कि आखिर क्या हुआ था। कई नैरेटिव्स हैं, कई बातें हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन सच क्या है ये अभी तक नहीं सामने आया। तो सच की लड़ाई है, लेकिन अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे पहले है। और जितना साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जितना सेफ होके कर सकते हैं उसको करें। स्टंट में ना जाएं, बहकावे में ना आए, लोगों की बातों में ना आए। अंडर द लॉ जो आप कर सकते हैं वो करें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले टाइमों में आप लोगों को देखना और समझना होगा, क्योंकि अभी भी हाई कोर्ट से क्वाश किए जाने वाले FIR पर अभी तक खबर नहीं आई है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसलिए मामला सब जुडिस है और सुशांत के CBI के हाथ में है। तो बस गणेश शिवारकर से रिलेटेड ये खबर जो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे पास कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सब लोग अपना ध्यान रखें, तरीके से करें और पब्लिसिटी स्टंट से बचें।